छावनी परिषद जबलपुर कार्यालय में मंगलवार की सुबह सीबीआई की टीम ने छापा मारा। बताया जाता है कि सीबीआई की टीम कार्यालय में पदस्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर और पूर्व सीईओ के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच करने पहुंची थी। सीबीआई की टीम ने दफ्तर के विभिन्न विभागों में जाकर दस्तावेजों की छानबीन की। जबलपुर के कैंट बोर्ड कार्यालय में मंगलवार को सीबीआई की टीम ने छापा मारा। सुबह सीबीआई के अधिकारियों की टीम कैंट बोर्ड कार्यालय पहुंची थी। कार्यालय के मेन गेट को बंद कराकर सीबीआई के अधिकारियों कर्मचारियों ने विभिन्न विभागों में जाकर दस्तावेजों की जांच की। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम में दिल्ली के अधिकारी शामिल थे। टीम ने भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत की जाँच करने कैंट बोर्ड दफ्तर में छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक कैंट बोर्ड कार्यालय में पदस्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर अभय परिहार और पूर्व सीईओ सुब्रत पाल के खिलाफ मिली शिकायत की जांच के लिए ये कार्यवाही की गई है। सीबीआई की जांच के दौरान कार्यालय के दोनों गेटों पर ताला जड़ दिया गया था। सीबीआई की टीम के कैंट बोर्ड कार्यालय में दबिश की जानकारी लगने के बाद कुछ शिकायतकर्ता भी कार्यालय पहुंचे, लेकिन उन्हें भी कार्यालय के भीतर प्रवेश नहीं दिया गया। नियम विरुद्ध भर्तियाँ की गई है, यहाँ पे नियम का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। जिसका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है उसको अंधा करके ओवर एज में भर्ती किया गया है। एससी एसटी का जो पद था यहाँ पे संविधान को ख़त्म कर दिया गया है। नियम विरुद्ध भर्ती की गई है, जिसमें से अभिजीत परिहार जो स्वास्थ्य निरीक्षक है यहाँ पे, इसकी हमने सीबीआई में कंप्लेन करी हुई थी। इसके बाद फिर हमने यहाँ से वो जांच नहीं हुई तो इसके हमने फिर हाईकोर्ट लगाया हुआ मामला, अभी हाईकोर्ट में चल रहा है। यहाँ पे 8 से 10 से ज़्यादा भी जो अवैध फर्जी भर्तियाँ की गई हैं, इसकी हमने शिकायत की हुई है। जो भी रेड डली हुई है, अगर इंक्वायरी होती है तो मैं सरकारी गवाह बनने को तैयार हूँ। मैंने भी शिकायत की हुई है, लेकिन यह जानकारी नहीं है कि किस संबंध में सीबीआई आई है, मेरी शिकायत पे आई है या किसी अन्य शिकायत पे आई। सीबीआई की दबिश से कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों में हड़कंप मचा रहा।